दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि रूरल का रेट क्या है एनर्जी चार्ज, और शहर का रेट क्या है, जो हमारे घरेलू कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनके लिए रेट क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला लिखा है कि लाइफ लाइन कंज्यूमर संविदा भार 1 किलोवाट, यानी कि ये लाइफ लाइन कंज्यूमर के लिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट लोड या सेंक्शन लोड 1 किलोवाट का है और यूज करने वाली यूनिट 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा नहीं है। ऐसे कंज्यूमर का जो फिक्स चार्ज होता है 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह, यानी कि 1 किलोवाट का रहेगा तो 50 रुपये रहेगा। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देने के बाद ये रेट है फाइनल 50 रुपये। और अगर एनर्जी चार्ज की बात करते हैं तो 0 से 100 यूनिट का जो रेट रहेगा 6.5 रुपये रेट है, लेकिन 3.5 रुपये सरकार सब्सिडी देती है। तो जो फाइनल एनर्जी चार्ज है लाइफलाइन कंज्यूमर का 3 रुपये प्रति यूनिट है। अगर हम अन्य अनमीटर्ड कंज्यूमर की बात, जैसे गाँव में जो है अनमीटर्ड होते हैं, मीटर नहीं लगे रहते, तो ऐसे कंज्यूमर की बिलिंग कैसे होगी? सिर्फ फिक्स चार्ज के आधार पर। फिक्स चार्ज का रेट क्या है? 935 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह, यानी कि अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो 935 रुपये प्रति महीने लगेगा, लेकिन 435 रुपये सरकार सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो अगर 1 किलोवाट का अनमीटर्ड कनेक्शन आपका गाँव का है तो 500 रुपये प्रति किलोवाट पड़ेगा। अगर मीटर का कनेक्शन है गांव में, अगर मीटर का कनेक्शन है, मीटर कनेक्शन का मतलब जिनके पास मीटर लगा हुआ है, तो फिक्स चार्ज क्या है? 90 रुपये प्रति किलोवाट, एक महीने का 90 रुपये लगेगा 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का रहेगा तो 180 रुपये। अब एनर्जी चार्ज स्लैब में बटा हुआ है, देखिए एनर्जी चार्ज जो है स्लैब में बटा हुआ है, 100 यूनिट तक 6.5 रुपये रेट है, 3.15 रुपये जो है आपका, 3.15 रुपये आपका जो है सब्सिडी सरकार देती है, तो 3.35 रुपये 100 यूनिट तक का रेट लगेगा। 101 से लेके 150 यूनिट तक 6.5 रुपये रेट है, 2.65 रुपये प्रति यूनिट सरकार सब्सिडी देती है, 3.85 रुपये पड़ेगा। 151 से 300 यूनिट का जो है 1.5 रुपये सब्सिडी सरकार देती है, 5 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा। अगर आपका कंजम्पशन 151 से 300 यूनिट के बीच में आता है तो जो एनर्जी का चार्ज होगा 151 से 300 यूनिट के लिए वो 5 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा। 300 यूनिट से अगर अधिक रहेगा तो 5.50 रुपये पड़ेगा। बीच वाला जो कालम है ये आपका गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी का कालम है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो है 6.5 रुपये है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी है, ये रेट है। अब आते हैं शहर के कंज्यूमर की क्या स्थिति है, शहर में क्या रेट है। अगर हम शहर के कंज्यूमर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फिक्स चार्ज है 110 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह है, यदि 2 किलोवाट का है तो 220 रुपये हो जाएगा फिक्स चार्ज। और एनर्जी चार्ज की अगर बात करें तो 100 यूनिट तक जो रेट है 5.50 रुपये है, यानी 6.5 रुपये रेट है, सिर्फ सरकार 1 रुपये सब्सिडी देती है शहर के कंज्यूमर को 0 से 100 यूनिट तक के लिए, तो 5.50 रुपये पड़ेगा। ये देखिए 5.50 रुपये फाइनल रेट पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे 101 से लेकर 150 तक तो 5.50 रुपये, 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपये, और 300 यूनिट से अधिक अगर देखेंगे तो 6.5 रुपये पड़ेगा। ये स्लैब के हिसाब से रेट है। तो इस तरह से जो है, जो शहर में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कम देती है और रूरल में सब्सिडी ज्यादा रहती है, तो ये स्लैब के हिसाब से रेट बनता है। जैसे आपका अगर 150 यूनिट का कंजम्पशन आ गया तो 100 यूनिट तक जो रेट रहेगा 5.50 रुपये के हिसाब से होगा, 100 × 5.55, यानी कि हो जाएगा 550 रुपये। और 100 से ऊपर जो यूनिट रहेगी 51 यूनिट या 50 यूनिट, उसका फिर रेट अगले वाले स्लैब में चला जाएगा, हायर स्लैब में चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिजली विभाग की समस्त जानकारी के लिए।